सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आई एम शुभी मोहित ऑफिशियल में। तो हमने आज हरिद्वार में है तो हमने गंगा नहाई हर की पौड़ी घाट पर, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे होटल था तो हमने होटल में कपड़े सूखने के लिए डाले और तुरंत के तुरंत हम निकल गए, ई रिक्शा पे बैठे और यहाँ आ गए हैं भारत माता मंदिर। और ये मंदिर आने का कारण ये है क्योंकि ये अपनी मदरलैंड, हमारी जो मातृभूमि है उस पर ये समर्पित है मंदिर। हमारे देश जो वीर हुए हैं, जो जो हमारी जो सती देवियां हुई हैं उन सब पे ये समर्पित है मंदिर। तो हमने सोचा चलो हम भी देखते हैं, दर्शन करते हैं उन सब के। तो चलो सबसे पहले हम शूज़ रिमूव करते हैं। और यहाँ पे एक फैसिलिटी है क्योंकि ये इतनी लंबी ऊंची इमारत है तो इसमें लिफ्ट की भी फैसिलिटी है, लेकिन लिफ्ट पे वही लोग चढ़ सकते हैं जिन्होंने लिफ्ट पे जाने के एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज दिए हों। बाकी सब लोग स्टेयर से जाएंगे, स्टेयर से ही उतरेंगे और हम लिफ्ट से चढ़ के जाएंगे ऊपर तक और आते टाइम सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए आएंगे। तो ये है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले शूज़ रिमूव करते हैं फिर अंदर चलते हैं, आपको पूरा दर्शन कराती हूँ। चलो चलो अंदर। माता रानी का ये नौ दुर्गा, पापा देखो इधर, मम्मी देखो इधर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हरिद्वार एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा है। शाम हो चुकी है और यहाँ भीड़ हमेशा ही रहती है, वृंदावन मथुरा वाला फील आता है यहाँ आकर और जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और ये हमारे शिव भोले भंडारी बैठे हैं अपने हिमालय हरिद्वार पर, इतने प्यारे लग रहे हैं एकदम जैसे कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ विराजे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ मंदिरों की कोई कमी नहीं है, जगह जगह पर मंदिर हैं और वो भी ऐसे मंदिर जहाँ से आपको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, इतने सुंदर मंदिर हैं। तो यहाँ सबसे पहली जो जो मंजिल है वो भारत माता को समर्पित है, दूसरी सूरवीरों को समर्पित है, तीसरी हमारी मातृ मंदिर है जो कि स्त्री शक्ति को समर्पित है, और चौथी मंजिल जो हमारी है महान भारतीय संतों को समर्पित है, पाँचवीं मंजिल जो है विभिन्न धर्मों इतिहास एवं भारत के विभिन्न भागों की सुंदरता को प्रदर्शित करती है, और छठवीं एवं सातवीं मंजिल देवी शक्ति और विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार जो उन्होंने लिए उनको समर्पित है, और आठवीं जो मंजिल है उसमें हमारे शिव भोले भंडारी बैठे हैं अपने हरिद्वार दर्शन करवा रहे हैं सभी को। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है और होटल पहुँचते पहुँचते तो हमें टाइम लगेगा और मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ हम नीचे आ गए, हमने भारत माता के दर्शन करें, कितनी प्यारी छवि है इनकी। और ये दो ही अपने देश में शायद दो से तीन ही मंदिर होंगे मुझे ऐसा लगता है जो भारत माता पर समर्पित हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है और यहाँ ज़रूर आएँ आप लोग। और अब हम चलते हैं अपने होटल और वहाँ पर खाना पीना थोड़ी पेट पूजा करते हैं। Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पापा का खाना खा के हो गया, हम तीनों अभी भी खा रहे हैं और मम्मी मोक्षु को खाना खिलाने की कोशिश कर रही, वो भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और यहाँ पे जब मम्मी के साथ क्योंकि हम लोग आए हैं तो मम्मी ने यहाँ पे पूड़ियाँ कुछ बनवा के रख ली थी कि हाँ चलो हम लोग खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, पेट वेट ना ख़राब हो जाए बाहर का खाना खाने से। और आम लेके आए, लड्डू लेके आए, तो मतलब ये नहीं लग रहा था कि हम हरिद्वार के होटल में रुके हुए हैं, ऐसा लग रहा था किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हैं हम। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इन शॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा था, खाना वाना खा के बिल्कुल पेट फुल हो चुका था हमारा। और कल हम जाएंगे ऋषिकेश तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आज का ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, थैंक यू।